बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली में अमित शाह ने कहा कि जिस तरह मोदी देश दुनिया में भारत को आगे करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसी तरह बिहार को भी देश का नंबर एक राज्य बनाना है और अब बिहार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख हो गई है, इसलिए सभी घर घर जाकर विपक्ष के भ्रामक प्रचार का जवाब दें। नरेंद्र भाई देश को दुनिया में सर्वोच्च जगह पर बिठाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसी तरह से बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में बिहार को देश का नंबर एक राज्य बनाने के लिए प्रशस्त हो। 90 लाख सदस्य बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हो चुके, इन 90 लाख की हमारी कार्यकर्ताओं की फौज गांव गांव जाए, गली गली जाए, घर घर जाए और विपक्ष के भ्रामक प्रचार को जवाब देने का काम करें। और रैली में अमित शाह ने भूमि अधिग्रहण पर नीतीश के निशाने पर उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश की और कहा कि नीतीश ने चीनी फैक्ट्री की जगह मॉल बनाने का काम किया है, साथ ही अपने दोस्तों और जानने वालों को जमीनें दी। बीजेपी तो कॉरपोरेट घरानों को जमीन नहीं देगी, लेकिन नीतीश ने जो किया उस पर वो खुद आत्मचिंतन करें। बिहार की 12 चीनी मिल की जमीनें आज किसके पास? नीतीश जी चाहते इसमें मॉल बनाने का पाप किसने किया है? अपने दोस्तों को, अपने मंत्रियों को, परिवार वालों को जमीन देने का काम किसने किया है? कितनी रेल योजनाएं अटकी पड़ी है, कितनी सड़क योजनाएं अटकी पड़ी है, बिहार का विकास रोककर ये नीतीश सरकार बैठी और भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि किसानों की जमीन भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट घरानों को दी। हम तो कभी नहीं करने वाले, आप ये कर चुके हैं श्रीमान नीतीश जी, पहले आप आत्मचिंतन करके देखिए। अमित शाह ने भीड़ को देखकर कहा कि चाहे महाविलय हो या महागठबंधन, उन्हें पूरा विश्वास है कि आगामी चुनाव में जीत बीजेपी की होगी। उन्होंने लालू पर भी निशाना साधा और कहा कि शून्य और शून्य मिलाकर शून्य ही होता है। मैं निश्चित रूप से यहां से निश्चित होकर जाने वाला हूं कि महागठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है, 0+0 0 ही होता है,